सिरमौर जिला में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। जिला में एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा यहां पूरे मोहल्ले के लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं इसके बाद पूरे नाहन शहर में भी रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। सिरमौर जिला प्रशासन की चिंता सबसे अधिक नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला ने बढ़ाई है, जहां से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक गोविंदगढ़ मोहल्ला से 66 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा यहां पूरे मोहल्ले के लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। वहीं प्रशासन ने ये भी निर्णय लिया कि इसके बाद पूरे नाहन शहर में रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। सिरमौर जिला में अभी तक कुल 120 मामले पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 80 मामले एक्टिव है जबकि 33 रिकवर हो चुके हैं। जिला में 7 मामले माइग्रेट के हैं। सिरमौर में अभी तक 120 केस हो चुके हैं पॉजिटिव, जिसमें से 80 जो हैं अभी एक्टिव हैं, 33 उसमें रिकवर हो चुके हैं, 7 माइग्रेट आउट हो चुके हैं। मेन जो चिंता का विषय सिरमौर के लिए है वो गोविंदगढ़ मोहल्ला है, जहाँ पे 66 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। उसमें जो प्रशासन की रणनीति है कि एक दो दिन में सभी जितने भी हमारे सैंपलिंग होनी है वो सैंपलिंग हमने ख़त्म कर देनी है, ताकि जितने भी केसेस निकलते हैं उनका उपचार स्टार्ट किया जा सके और इस सिचुएशन को कम्युनिटी में स्प्रेड करने से रोका जा सके। जैसे गोविंदगढ़ में हमारी सैंपलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तो बाकी जो यहाँ पर नाहन के वार्ड्स हैं उसमें रैंडम सैंपलिंग करेंगे, खासकर उन व्यक्तियों की जो ओल्ड एज हैं, जिसमें कोमोर्बिडिटी के लक्षण हैं, उनकी सैंपलिंग करेंगे। जब सैंपलिंग सारी हो जाएगी तभी पता लगेगा हम कितने पॉजिटिव हैं। मैं दोबारा से सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी ऐसे व्यक्ति इन जो गोविंदगढ़ के लोग हैं इनके संपर्क में आए हैं, स्वेच्छा से आगे आएँ और अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और समाज को बचाएं। अभी लॉकडाउन बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। मेन हमारा जो फोर्स रहेगी सैंपलिंग पे रहेगी, मेन जो हमारा पॉइंट है। सैंपलिंग में अगर कोई बाधा आती है तब हो सकता है कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े। जितना लोग कोऑपरेट करेंगे उतना लॉकडाउन कम होंगे, अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो लॉकडाउन बढ़ सकता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।